हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ मिड मार्केट अपडेट। छोटा सा वीडियो रहने वाला है, एंड तक देखने का जरूर ट्राई करना क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट ले रहा है। टारगेट्स डिस्कस करेंगे एंड बचाव हुआ व्यू डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो गाइस। और मैंने आप लोगों को ट्विटर पर आज दो स्टॉक्स डाले हैं। एक स्टॉक मैंने अभी डाला था, आई थिंक थोड़ी देर पहले, जिससे मैंने आप लोगों को 10 लाइक्स पे नाम रिवील किया था। वो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का था, जिसपे बुल फ्लैग बन रहा था। एंड एक स्टॉक मैंने अभी अभी डाला है, जो कि आई थिंक 20 लाइक्स पे मैं उसका नाम रिवील कर दूंगा। तो ट्विटर पर जाओ, जाकर स्टॉक चेक करो। रिलायंस का ब्रेकआउट हम लोगों ने देखा, निफ्टी का ब्रेकआउट हम लोगों ने देखा, एंड डिस्कस कर लेते हैं हम लोग इस सिचुएशन को। तो निफ्टी ने गाइस आज सुबह किया क्या, यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट था, हम लोग को ये ब्रेकआउट मिला। एंड सुबह जो ब्रेकआउट मिला था वो रिटेस्ट हुआ, राइट। हमारा कल का बुल लेवल था 18,340, ठीक है। बट स्टिल थोड़ा सा कन्विक्शन वहां नहीं था। जब हमको ये ब्रेकआउट मिला, उसके बाद मार्केट के अंदर कन्विक्शन आया। एंड अगर आप देखो तो इस पूरे मूव का, ये ऊपर से लेके डाउन मूव का, हम लोगों ने फिबनाची लगाया, तो 88% वाला जो फिब था वो भी हम लोगों ने तोड़ा। एंड यहाँ से स्ट्रेट अवे जो टारगेट है वो 18,460 का होना चाहिए। 18,460 के ऊपर 18,510 का टारगेट होना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइन्स लगा दिए, इसको पॉज करके जूम इन करके देख लेना। ये टारगेट्स हैं, ये आप लोगों के आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसके बाद अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा साइंस शो नहीं कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब तक ये इस ईएमए से, जो कि 43,741 पर है, इस ईएमए से दबा पड़ा हुआ है, राइट। तो अभी आप लोगों ने करना क्या है, इस ईएमए का टूटने का वेट करना है। एंड अगर आप लोग मेरे को ट्विटर पर फॉलो करते हो, तो कल मैंने आप लोग को सिनेरियो बताया था कि डाउ जोन्स नेगेटिव था एंड नैसडैक 2% अप था। मतलब जो टेक स्टॉक्स थे वो इतना ज्यादा भाग रहे थे कि नैसडैक 2% अप था एंड डाउ जोन्स वॉज स्टिल इन नेगेटिव। एंड कहीं ना कहीं ये जो सेम चीज है अपने मार्केट में रेप्लीकेट होते हुए देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इज फ्लैट, ठीक है, एंड फ्लैट से नेगेटिव ही था अब तक। अभी थोड़ी देर पहले पॉजिटिव में आया, बट इट इज फ्लैट। एंड निफ्टी जो है, इट इज रनिंग मोर, ठीक है। तो आपका जो फोकस है वो निफ्टी पर होना चाहिए। बैंक निफ्टी हाँ संभव 43,741 को तोड़ती है, इसके ऊपर 1 आवर का कैंडल क्लोज करती है, राइट। तब आपकी थोड़ी सी जो नजर है वो इस पर होनी चाहिए। अदरवाइज मेरे हिसाब से फॉर टुडे निफ्टी शुड बी द बेटर इंडेक्स, ठीक है। और यहां पर आप देख लो, अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिल जाए, जो कि आई थिंक मिल जाएगा, बट स्टिल आई वुड नॉट ट्रस्ट बैंक निफ्टी फॉर द ट्रेड्स टुडे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के लिए लाइंस लगा दिया, आराम से पॉज करके इसको जूम करके ब्रेकआउट लेवल्स वगैरह देख लेना। बस इनमें दिक्कत सिर्फ यही होती है कि हमको कैंडल क्लोज से मतलब है, और कैंडल क्लोज जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम उसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। रिलायंस का चार्ट अगर मैं देखूं, तो रिलायंस भी आज एक बहुत ही ज्यादा लाइक 6 मंथ का जो डाउन ट्रेंड है वो ब्रेक करने के लिए खड़ा हुआ था। एंड इसको मैं वीकली चार्ट पर लगा देता हूँ आपके लिए, तो आपको थोड़ा बेटर समझ आएगा। नहीं, डेली पे बेटर आएगा। अगर आप इसको यहां से, ये गाइस अगर आप देखो, 1 दिसंबर से ये हाई लगा था, एंड 1 दिसंबर से अब तक मे एंड आ गया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। ये जो डाउन ट्रेंड है गाइस, ये डाउन ट्रेंड अब हमको यहां पर टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई निफ्टी इज रनिंग। बैंक निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, बट रिलायंस का ब्रेकआउट इज अ की फैक्टर, इट्स अ बिग थिंग। तो इस चीज का आप लोगों ने एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट गाइस। नीचे साथ आते कुछ भी कमेंट कर देना, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।